ओम शांति। आज 12 जुलाई 2021 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे जिस तरह बाप की महिमा है कि वह दुख हरता सुख करता है, तो तुम बच्चों को भी सबको सुख देना है। जितना तुम सबको सुख देते जाएंगे तो सुखधाम का वर्षा तुम्हें बाप से प्राप्त होगा। साथ ही साथ बाबा कहे तुम्हें बाप समान निरअहंकारी बनना है। जिस तरह इस दुनिया के अंदर बाबा जैसा निरअहंकारी और निष्काम सेवादारी और कोई नहीं है, ऐसे बाबा कहे तुम बच्चों को भी निरअहंकारी बनना है। बाबा कहे दुनिया के अंदर लोग गुरुओं का कितना मान करते हैं। आगा खां की बात बाबा ने किया है कि जो खोजा लोगों का गुरु है तो लोगों ने उसको हीरो में तोला। उस जमाने में सोने में तोलने का तो आम था, लेकिन उनको हीरो में तोला था। बाबा कहे तुम बाबा को किस में तोलोगे? बाबा तो है बिंदी, इसके जैसा हल्का तो कोई है नहीं। तो इसीलिए बाबा कहे दुनिया में लोग गुरुओं का मान करते हैं, लेकिन सभी गुरुओं का भी गुरु सतगुरु एक ही परमात्मा है जिसके बारे में कोई भी जानते नहीं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप जैसा निरअहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। प्रश्न है, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? उत्तर है, सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो, तो आधा कल्प के लिए सुखधाम में चले जाएंगे। यह पैगाम सबको देना है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे वह 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। आज की मुरली का गीत है हमारे तीरथ न्यारे हैं, इस धरती के प्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, इस गीत का अर्थ तो समझ गए। हम आत्माओं का वह बाप है, मुख्य है ही आत्मा। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठी है। हम कहां बैठे हैं? बाबा के सम्मुख बैठे हैं। तुम्हारी सोल सुप्रीम सोल के सामने बैठी है। तुमको तो अपना शरीर है, इनको लोन लिया हुआ शरीर है। शिव बाबा का तो लोन लिया हुआ शरीर है, हम सबको अपना शरीर है। गुरु लोग मनुष्य को यात्रा पर ले जाते हैं। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु है। बाबा कहे भक्ति मार्ग के ढेर गुरु है। भारत में तो स्त्री अपने पति को भी गुरु ईश्वर समझती है। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चे हो ना, समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बेहद का वर्षा फिर से लेने आए हैं। अभी हमें सदगति को पाना है। यह तो निश्चय है ना? पूछते बाबा, यह तो निश्चय है ना? सारी दुनिया दुर्गति में है, पतित है। पावन होने के लिए बुलाते हैं तो भारत में कितने ढेर के ढेर गुरु है। कोई को 100 फॉलोअर्स, कोई के 500,
कोई के 50 भी होते हैं, कोई के लाखों करोड़ों भी होते हैं। जैसे खोजाओ का आगा खा गुरु है, खोजा एक कौम है, तो बाबा कहे जैसे खोजो का आगा खा गुरु है, कितने उनके फॉलोवर्स हैं, कितना उनका रिगार्ड देते हैं, बाबा कहे कितना उनको रिगार्ड देते हैं। फिर भल कुछ भी करने वाला हो, लेकिन उनका मान कितना है। भक्ति मार्ग में गुरु अनेक है, फिर वह भी नंबरवार होते हैं। कोई की कमाई पद्मों की होती है, आगा खां की कमाई बहुत है। उनको हीरो में तोल कर दान दिया है, बाबा कहे उनको हीरो में तोल कर दान किया था उनके शिष्यों ने। एक तरफ हीरे, दूसरे तरफ उनका गुरु, हीरे दान करते हैं, कितने हीरे होंगे। आजकल सोने में तो बहुतों को वजन कर देते हैं। साकार ब्रह्मा बाबा जब थे तो उस समय तो ये आम रसम होगी कि बहुतों को सोने में वजन करते होंगे, लेकिन हीरो में सिर्फ आगा खा गुरु को किया था खोजो लोग ने। तो इसीलिए बाबा कहे आजकल तो सोने में भी कहां किसी को वजन करते हैं, लेकिन बाबा के जमाने में सोने में जरूर वजन करते होंगे। इसलिए बाबा ये बात कहते हैं आजकल सोने में तो बहुतों को वजन कर देते हैं। दूसरा प्लेटिनियम होता है। साकार बाबा जवेरी था ना, तो हीरो की, सोने की, प्लेटिनियम की प्राइसेस भी पता थी। दूसरा प्लेटिनियम होता है, वो सोने से भी ज्यादा कीमती होता है, व्हाइट गोल्ड जिसको कहते हैं। तो बाबा कहे वह भी वजन कर दिया था, किसी को उस जमाने में दिया होगा। गुरु का मर्तबा देखो कितना है। ऐसे गुरु लोग तो ढेर है, अब इस सतगुरु को तुम क्या देंगे, उनका वजन करेंगे। बाबा कहे उनको वजन करेंगे, हीरे वजन कर देंगे, उनका वजन हो सकता है, उनका खुद का ही वजन नहीं है। शिव बाबा का तो वजन ही नहीं है, शिव तो है ही बिंदी, उनका वजन तुम क्या कर सकेंगे। यह तुम्हारा गुरु कितना वंडरफुल है, सबसे हल्का, बिल्कुल ही सूक्ष्म है। तुम्हारा गुरु एक है, तुम जानते हो, शिव बाबा तो दाता है। भगवान कभी कुछ ले नहीं सकते, वह तो देते हैं। ईश्वर अर्थ दान सब करते हैं, तो समझते हैं दूसरे जन्म में इसका एवजा मिलेगा, कामना तो रखते हैं। अब यह तो है बेहद का बाप, इन जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। शिव बाबा जैसी निष्काम सेवा तो कोई कर नहीं सकता। निष्काम सेवा भी कैसी है, बच्चों को विश्व का सुखधाम का मालिक बनाते हैं। बाबा खुद थोड़ी विश्व का मालिक बनते हैं, उनको कहा जाता है सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। एक ही बाप से तुमको जीवन मुक्ति मिल जाती है, बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। निश्चय किया बस बाबा और वर्षे को याद करना है। इनको कहते हैं ज्ञान का सागर। भक्ति मार्ग में महिमा भी गाते हैं, क्या गाते हैं, सारा सागर स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, सारा धरती को कागज बनाओ।
तो भी एंड नहीं हो सकती, इतनी अपरंपार बाबा की महिमा है। तुम शुरू से लेकर लिखते जाओ तो तुम्हारी ढेर पुस्तकें हो जाए। यह नॉलेज तो बहुत वैल्यूबल है जो धारण करने की है। जानते हो यह कोई परंपरा तो चलती नहीं, अभी तुमको तंत्र मिलता है। बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं, वही काफी है। बाप का परिचय देने से, रचना को जानने से रचना का भी ज्ञान आ जाता है। बुद्धि कहती है जो सत्युग में आते होंगे उनके पुनर्जन्म जास्ती होंगे, चक्र में जो पहले आए होंगे वही आएंगे। इस चक्र को भी अच्छी रीति समझना है। गीत में भी सुना हमारे तीर्थ न्यारे हैं, वह तो जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्राएं आदि करते आए हैं। यह सिर्फ तुम्हारी एक जन्म की यात्रा है, इस रूहानी यात्रा में जरा भी कोई तकलीफ नहीं। ज्ञान देने वाला एक ही सतगुरु है। सदगति तो किसी की भी होती नहीं, वह है सुप्रीम ज्ञान का सागर, सर्व की सदगति हो जाती है। शिव बाबा आकर सुप्रीम ज्ञान का सागर और ज्ञान से हमारी सदगति हो जाती है, बाकी क्या चाहिए। तत्व भी सतो प्रधान हो जाते हैं, यहाँ तमो प्रधान है तो वायु आदि भी ऐसी ही तमो प्रधान होती है। कितने अर्थक्वेक आदि होते हैं, सतयुग में तो कोई भी दुख देने वाली चीज नहीं होगी। बाप है ही दुखहर्ता सुखकर्ता, तुम उनके बच्चे हो, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा हम बच्चों को ये ईश्वरीय मर्यादा बताते हैं कि हमें कभी किसी को दुख नहीं देना है। सबको ये रास्ता बताना है सुख का वर्षा पाने का। अब बाप कहते हैं तुमको सुखी देना है। बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते हैं, बच्चे तुमको सुख ही देना है। बाबा तुमको आधा कल्प के लिए ऐसा सुख देते हैं जो वहां दुख का नाम नहीं रहता। तुम जानते हो बाप से 21 जन्म का वर्षा पाने हम यहाँ आए हैं। तुम स्टूडेंट हो ना, तुम्हारे दिल में है कि शिव बाबा से स्वर्ग का सुख लेते हैं तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा हमको संजीवनी बूटी देते हैं सुरजीत होने के लिए, और वो संजीवनी बूटी क्या है तो बाबा कहे, बाबा हमको संजीवनी बुट्टी देते हैं सुरक्षित होने के लिए, फिर 21 जन्म कभी मूर्छित नहीं होंगे। मूर्छित किस में हुए, देह अभिमान में। तो बाबा कहे तुम 21 जन्म कभी मूर्छित नहीं होंगे। वह संजीवनी बुट्टी है मन मना भव। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, उनको निराकार निरअहंकारी कहा जाता है। जिस तन में आते हैं वह भी साधारण है। बाप कहते हैं, देखो कितना प्यार करते हैं बाबा। बाप कहते हैं, डियर चिल्ड्रन आई एम योर ओबीडियंट फादर, अर्थात मीठे बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडियंट फादर पिता हूँ। बड़े आदमी हमेशा ऐसे लिखते हैं, आई एम ओबीडियंट सर्वेंट, अर्थात मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। अपने को श्री कभी नहीं लिखेंगे, आजकल तो लिखते हैं श्री श्री फलाना। आपे ही अपने को श्री श्री लिखते रहते हैं। वह बाप है निराकारी निरअहंकारी। अब तुम उनके सन्मुख बैठे हो, जानते हो वह हमारा बाप टीचर सतगुरु है। बाकी तो सब भक्ति मार्ग के अनेक गुरु हैं। गुरुओं के भी गुरु होते हैं, इनका कोई गुरु नहीं है। शिव बाबा का कोई गुरु नहीं, ये सत बाबा
सत टीचर सतगुरु है। तुम जानते हो आत्मा ही संस्कार धारण कर रही है, बाबा भी आत्मा है ना, शिव बाबा भी आत्मा है, ब्रह्मा बाबा भी आत्मा है ना, उनमें भी गुण है। तुम्हारे गुण अलग अलग हो जाते हैं, बाबा कहे तुम्हारे गुण अलग अलग हो जाते हैं, इस समय जो गुण तुम्हारे में है वही बाप के है। बाबा प्रेम का सागर, हम प्रेम स्वरूप। बाबा पवित्रता का सागर, हम पवित्र स्वरूप। बाबा ज्ञान का सागर, हम ज्ञान स्वरूप। तो इसीलिए बाबा का इस समय जो गुण तुम्हारे में है वही बाप के है। फिर सतयुग में तुम्हारे दैवी गुण हो जाएंगे। बाप ज्ञान का सागर, प्यार का सागर है, कृष्ण की महिमा अलग है। शिव बाबा को 16 कला संपूर्ण नहीं कह सकते, वह तो स्थिर है ही। बाप कहते हैं यह टाइटल तुम मुझे नहीं दे सकते हो, 16 कला संपूर्ण ये टाइटल बाबा को नहीं दे सकते हो, वो श्री कृष्ण का टाइटल है। मैं थोड़ी विकारी बनता हूँ जो फिर सर्वगुण संपन्न बनूं, मेरी महिमा इन जैसी थोड़ी करेंगे। इस नॉलेज को जिन्होंने कल्प पहले सुना है वही आएंगे, आकर बाप से सुनेंगे और बाप को याद करेंगे। पिछाड़ी को हाय हाय कर रोते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। अभी तुमने यात्रा का भी राज समझा है, इस यात्रा से फिर तुम कभी मृत्यु लोक में लौटते नहीं, उन यात्राओं से फिर घर लौट आते हैं। कितने मनुष्य स्नान करने जाते हैं, भक्ति का विस्तार देखो कितना है। जैसे झाड़ कितना बड़ा अथाह होता है, बीज तो बिल्कुल छोटा होता है, वैसे भक्ति का भी विस्तार कितना है। ज्ञान का एक टुकड़ा, बाबा कहे ज्ञान का एक टुकड़ा भी सदगति कर देता है। भक्ति में उतरते उतरते आधा कल्प लग जाता है। यहाँ तुमको सीढ़ी चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। लिफ्ट कितनी अच्छी है, बाबा कहे 1 सेकंड लगता है तो लिफ्ट हो गई, तो लिफ्ट कितनी अच्छी है, नीचे से एकदम ऊपर अपने घर ले जाती है। इसको कहा जाता है चढ़ती कला, तेरे भाने सर्व का भला। सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। अब ज्ञान भक्ति का फर्क देखो, दोनों में बहुत अंतर है। ज्ञान भक्ति वैराग्य है ना, सन्यासियों का है हद का वैराग्य। बाप ने समझाया है वैराग्य 2 प्रकार का है, एक है हद का वैराग्य जिससे कोई सदगति नहीं होती, दूसरा है बेहद का वैराग्य जिससे तुम्हारी सदगति हो जाती है। अभी सदगति के लिए तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की। अब श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना हो रही है श्रीमत पर, यह भ्रष्ट दुनिया रावण की मत पर बनी है, हम श्रेष्ठ बन रहे हैं। यह बातें तुम ही जानो, दुनिया बिल्कुल नहीं जानती है। तुम्हारे लिए तो कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां विनाश कराने वाली है, सचमुच विनाश तो होना ही है, इससे ही तो कल्याण होना है। कल्याणकारी बाप आते हैं तो महाभारी लड़ाई लगती है, कहेंगे हमने कहा था ना कि ब्रह्मा कुमारियां विनाश करेगी, बरोबर विनाश तो होना ही है, पुरानी दुनिया विनाश होगी, हम नई दुनिया स्थापन करते हैं, पुरानी के बाद नई जरूर है ही। कल्प कल्प विनाश होता है तभी भारत में स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, परंतु वे लोग समझे कैसे, आगे चलकर बहुत समझेंगे। बाप जब आते हैं तो पुरानी दुनिया सारी स्वाहा हो जाती है। तुम्हारा ये यज्ञ तो वंडरफुल है,
वाक्य वंडरफुल है जिसमें आहुति पढ़नी है। यह भी तुम जानो और न जाने कोई, विजय तो पांडवों की ही होनी है और सब खत्म हो जाएंगे। बाकी तुम पांडव रहते हो, फिर नई दुनिया में राज्य करते हो। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। सबका दुखहर्ता, सुखकर्ता, सदगति देने वाला एक ही बाप है। कितना मीठा, कितना प्यारा बाप है। कहते आए हो मीठे बाबा, आप जब आएंगे, बाबा स्मृति दिलाते हैं जो हमने वायदा किया। कहते आए हो मीठे बाबा, आप जब आएंगे तो आप पर हम बारी जाएंगे। मेरा तो आप, दूसरा न कोई। इसका मतलब यह नहीं कि घर बार छोड़ यहाँ आकर बैठेंगे, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, 7 रोज का कोर्स ले, फिर कहाँ भी जाओ मन मना भाओ। बाप को याद करना है और वर्षा पाना है, बस याद की यात्रा में रहना है। इससे ही बेड़ा पार है। यह भी तुम जानते हो, पवित्र रहना है, छी छी खाना आदि नहीं खाना है। मुरली तो मिलती ही है, कोई समय मुरली नहीं भी मिलेगी, आफतें आएंगी, हंगामा आदि हो जाएगा तो मुरली मिल नहीं सकेगी। तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा। बाबा कहे, तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, सब भस्म हो जाएगा। प्रलय तो होती नहीं, दुनिया तो एक ही है, नई सो पुरानी होती है। न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है, अब तो कहेंगे यह ओल्ड वर्ल्ड है। बाकी थोड़ा समय है, वह कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है। कलयुग के लिए कहते 40,000 वर्ष पड़े हैं, वास्तव में 5,000 वर्ष का चक्र है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को न जाने तो उनको क्या कहेंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये तो जानना चाहिए ना। जो अच्छी रीति जानते हैं, बुद्धि में धारण कर औरों को धारण कराते हैं, वह ऊंचते ऊंच पद पाते हैं। बाप कहते हैं जो नॉलेज मेरे में थी वह अब तुमको दे रहा। ड्रामा प्लान अनुसार मैं रिपीट करता हूँ, सारी नॉलेज बाबा आकर रिपीट करते हैं। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, भक्ति मार्ग में भी पार्ट बजाया। अब तुमको आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूँ। भक्ति मार्ग में बाबा ने पार्ट बजाया सबकी मनोकामना पूर्ण करने का, और फिर संगम युग पर बाबा आकर के पार्ट बजाते हैं अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में, मैं आता ही एक बार हूँ अपना परिचय देने और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप समान ओबीडियंट बनना है, अर्थात आज्ञाकारी बनना है। कभी भी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है, निराकारी और निरअहंकारी होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, बाप टीचर और सतगुरु के कॉन्ट्रास्ट को समझ निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है। माँ टीचर और सतगुरु के कॉन्ट्रास्ट को समझ निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है, रूहानी यात्रा पर रहना है।
आज का बाबा का मधुर वरदान है, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइटधारी बाबा। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइटधारी भवन, जैसे अभी चारों ओर ये आवाज फैल रहा है कि ये सफेद वस्त्रधारी कौन है और कहां से आए हैं, ऐसे अब चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। जहां भी देखे तो फरिश्ते ही नजर आए, लेकिन यह तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतवाहक शरीर से चक्कर लगाने के अभ्यासी होंगे, मनसा पावरफुल होगी। आज का स्लोगन है सर्व गुण व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बन। सर्व गुण व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बन। अच्छा, ओम शांति।